नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? स्वागत है मेरे आपका मेरे किचन में, नीलम पवार डेली तड़का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें। आज बनाने जा रहे हैं रवा की स्टफ्ड भरवा इडली। इसके लिए मैंने ये 1.5 कटोरी सूजी ली है, 1/2 कटोरी दही, 1/2 कटोरी मुझे इसके लिए दही चाहिए, 1/4 स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा, खाने वाला मीठा सोडा, 1/2 कटोरी ये पानी डाल के, और मैंने इसका एक घोल बना लिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं, तब तक हमारी सूजी अच्छे से फूल जाएगी, तब तक हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया, इसमें करीब 2 टीस्पून के करीब तेल, मैं इसमें कोकोनट नारियल का तेल डालूंगी। आधा टीस्पून जीरा, ये मैंने कुछ सब्जियां काटी है, एक बारीक कटा प्याज, थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स बारीक कटी, एक शिमला मिर्च स्वाद अनुसार हरी मिर्च, एक बारीक कटा टमाटर, थोड़ी सी बारीक कटी सोया बड़ी। हमारा जीरा अच्छे से तड़क गया, अब इसमें ये बारीक कटा प्याज सिर्फ हमें हल्का सा छोटे करना है, इसका कच्चापन निकालना है। शिमला में फ्रेंच बीन्स, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, सोया बड़ी, बारीक कटा टमाटर, स्वाद अनुसार थोड़ा नमक। नमक हमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमने सूजी में भी पहले से नमक डाला हुआ है। 1 टीस्पून शेजवान चटनी या टमाटर की चटनी, ये मेरा चटनी के लिए मसाला तैयार हो गया। ये मेरी सूजी अच्छे से फूल गई, हमें ऐसा पेस्ट चाहिए। ये मेरे पास में इडली की प्लेट है, मैंने इनमें तेल लगा लिया थोड़ा थोड़ा। ये इडली बर्तन को 2 गिलास पानी डाल के और गैस पर थोड़ी देर के लिए स्टीम होने के लिए रख दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पहले थोड़ा थोड़ा हमने इडली का पेस्ट डाल लिया, अब इसके ऊपर ये स्टफिंग थोड़ा सा और ऊपर से पेस्ट इसको कवर करने के लिए।
ये मैंने स्टैंड में सारी इडली लगा दी। अब 10 मिनट के लिए इनको स्टीम होने देते हैं। मेरी फुली फुली स्टफिंग इडली बनके तैयार। इसको नारियल की चटनी के साथ सर्व करेंगे। आओ आप सब खा लो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें।